मसीद न्यूज के नाजरीन आदाब। कुदरती वबा कोरोना अपने उरूज पे है, हालांकि धीरे धीरे इसका ढलान होता जा रहा है, लेकिन अब भी कोरोना से मुब्तला हजारों लोग हैं। दिल्ली के अंदर ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के जरिए एक इंसानियत का जज्बा पेश किया गया, जो कोरोना वबा से मुब्तला हैं लोग, और उसके अलावा जो उससे सावधान रहने के लिए, उससे लोगों को बेदार करने के लिए मेडिकल इक्विपमेंट बांटे जा रहे हैं, मुफ्त तकसीम किए जा रहे हैं। इसमें वेपोलाइजर है और सैनिटाइजर है, मास्क है, और लोगों को बेदार किया जा रहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। हमारे साथ हैं डॉक्टर मुश्ताक अंसारी जी। जानते हैं किस तरीके से आज ये जो मेडिकल सामान है, सप्लाइजर है और मास्क वगैरह है और दूसरी चीज़ें आप लोग बांट रहे हैं, किस तरीके से तकसीम कर रहे हैं? ये हमने जो ना जो हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं, हर मोहल्ले में मोमिन कॉन्फ्रेंस के कारकुन रहते हैं, तो उनको जिम्मेदारी दी गई हुई जो आपके इलाके में जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको आप चिन्हित कर लीजिए, और फिर जो उनको हम घर घर जाके डोर टू डोर जो है डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कर रहे हैं। डॉक्टर, उसके लिए आपने जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे पहले रब्ता कायम किया, वो अपने इलाके के बंदे चुन के आपको दे रहे हैं? जी जी, बिल्कुल ऐसे ही पूरे तरतीब से पहले भी हमने ऐसे किया, राशन बांटा वो भी इसी तरह किया, क्योंकि भीड़ में हम लोग काम नहीं करते, हमें जो जरूरत, हमारा मकसद है कि जरूरतमंद तक चीज़ जो लोग पहुंचनी चाहिए, और सरकारें भी अपने लेवल पर काम कर रही है वो, मगर जो है सब तक ये सामान जो है हर आदमी तक नहीं पहुँच पा रहा, जरूरतमंद तक खासतौर से नहीं पहुँच पा रहा, तो इसका मिसयूज ना जाए उसके लिए हमने उसका खास ख्याल रखा है। हम लोगों को जो जो जिनकी ज़रूरत है उनको पहुँचाने की चीज़ कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर, ये जो मुद्दा है इसको लेकर के इन दिनों एक नया वो चल रहा है कि आयुर्वेदिक अलग है, एलोपैथिक अलग है, डॉक्टर रामदेव उसको लेकर के तरह तरह के बयान दे, आप किस पक्ष में जाते हैं और क्या कहना चाहते हैं इसमें? नहीं, हर पद्धति के अपने अपने फंक्शन हैं, अपने अपने तरीके हैं उनके काम करने के, और हर पद्धति को के अपनी अलग अहमियत है, तो उसको सबको सम्मान मिलना चाहिए। मेरा तो कहना यही है कि जो एलोपैथिक है वो अपने अलग काम कर रही है, एलोपैथिक के मान लिए कि ज़्यादा उसके ट्रीटमेंट ज़्यादा अच्छे लेवल पर करते हैं या फिर उसको ज़्यादा बड़े स्केल पर करते हैं, उसको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, अच्छी बात है, मगर जो दूसरी पद्धतियाँ हैं उनमें भी कुछ ना कुछ गुणवत्ता है, उनमें कोई ना कोई बात है, तभी लोग वो सक्सेस है, लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम रियाजुद्दीन अंसारी। किस तरीके से आज आप लोग ये सारा सामान तकसीम कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं? देखिए, इसमें एक तो ये वेपोलाइजर है, स्टीमर है, मास्क है और सैनिटाइजर है, ये हम घर घर जाके लोगों को दे रहे हैं। आज कम से कम हम 100 लोगों को ये डिस्पोज करेंगे। अब तक कितने लोगों को कर चुके हैं और आगे कितने लोगों को करना है? देखिए, ये हमारी संस्था है ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस, ये दिल्ली के अंदर और कई स्टेटों के अंदर जगह जगह जैसे जैसे कोई भी आपदा आती है या कुछ भी होता है तो उसमें ये जैसे कि फूड किट है, रजाई है, कंबल है और ये मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो ये सप्लाई करती रहती है, देती रहती है लोगों को। अभी तक के लिए इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए मशरिक न्यूज़ के साथ। मशरिक न्यूज़ अपने नाज़रीन से गुजारिश करता है, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, 2 गज की दूरी रखें, बार बार अपने हाथों को धोएं और सैनिटाइज़र करें, और हमेशा मास्क लगा कर रखें, गैर ज़रूरी होने पर अपने घर से बाहर ना निकलें।